मैं आयुषी नेगी। तो गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैंसला के आवास पर पहुंचे। वैशाली नगर में बैंसला के आवास पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गहलोत ने किरोड़ी बैंसला को पुष्पचक्र अर्पित किया। गुर्जर आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले कर्नल किरोड़ी बैंसला का आज सुबह निधन हो गया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की, जहां खुद सीएम अशोक गहलोत कर्नल किरोड़ी बैंसला के आवास पर पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया और परिवार को ढांढस बताया। आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी बैंसला काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। तमाम कर्नल बैंसला साहब ने जो संघर्ष किया है वो समाज कभी भूल नहीं सकता। जो कुछ भी समाज की उपलब्धि हुई है, MBC बना, अलग वर्ग बन गया, आरक्षण मिल गया और बच्चे पढ़ाई में जो है, जो भी टैलेंटेड बच्चे उन सबको मौका मिल रहा है, ये तमाम अगर एक व्यक्ति को इससे जाता है, एक व्यक्ति को, तो वो है कर्नल बैंसला, जिसने एक नया रास्ता दिखाया कौम को, संघर्ष किया गरीबों के लिए, वो कामयाब रहे। तो तस्वीरें आपने देखी, सीएम अशोक गहलोत भी आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, पुष्पचक्र अर्पित किया और तमाम जो भी उनका योगदान रहा समाज के लिए उसे याद किया। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी किरोड़ी बैंसला के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद, और आज पूरा प्रदेश उन्हें याद कर रहा है उनके योगदान के लिए। गुर्जर समाज की बात की जाए तो एक अहम योगदान हमेशा से कर्नल किरोड़ी बैंसला का रहा है। चाहे आरक्षण की बात की जाए, हमेशा से समाज के लोगों के लिए काम वो करते थे, उनकी आवाज बुलंद करते थे और उनके इस आंदोलन को आज हर कोई याद कर रहा है। नम आंखों से आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को याद किया जा रहा है। तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं वो भी आज किरोड़ी सिंह बैंसला को उनके योगदान के लिए याद कर रहा है। एक शिक्षक से लेकर सेना में उन्होंने अपना योगदान दिया और उसके बाद समाज के लिए कई महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए। विशेष तौर पर आरक्षण के लिए उन्हें याद किया जाता है। जो भी काम गुर्जर समाज के लिए उन्होंने किए, हमेशा से, हमेशा के लिए उन्हें इसके लिए याद किया जाएगा। और ये कुछ खास बातें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। गुर्जरों के मसीहा भी कहा जाता था उन्हें, क्योंकि हमेशा जो भी हक रहे हैं गुर्जर समाज के लोगों के, उन्हें आगे लाने के लिए, उनके लिए हमेशा से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने लड़ाई लड़ी। चाहे आरक्षण की बात हो, पटरियों पर उतरने की बात हो, नौबत यहां तक की आ जाती थी कि सरकार को अपने सामने झुकने पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मजबूर कर देते थे, सरकार को अपनी बातें मनवा कर रहते।